क्योंकि अभी आपकी ड्यूटी टाइमिंग भी ठीक हो गई है, अभी आप प्लेट घसने से भी बच चुके हैं, मतलब अब आप नॉर्मल चल रहे हैं, अब आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ी बहुत जो है वो कंट्रोल में आ चुकी है, तो उसको कंट्रोल से बाहर मत कीजिए। बहुत सारे लड़के यहाँ पर भी बिखर जाते हैं। और मेरे भाई एक बात बिल्कुल याद रखना, गधा से गधा भी होगा ना कोई भी, गधा से गधा भी, तो उसको 5 साल नहीं लगेंगे असिस्टेंट मैनेजर से रेस्टोरेंट मैनेजर बनने में। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, जब भी हम होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे होते हैं, या हम होटल मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, या कहीं से भी ये पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर होटल मैनेजमेंट करने के बाद होगा क्या, क्योंकि देखो यार, कोई बचपन से ये नहीं सोचता है कि मैं होटल मैनेजमेंट में ही मुझे करना है। बाई लक बाई चांस मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया आपको, तो होटल मैनेजमेंट कॉलेज के में जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या होगा आगे। अभी हम क्या करते हैं कि हम गूगल वगैरह पर सर्च करते हैं कि हाँ होटल इंडस्ट्री के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम मैं क्या बनूंगा ये डिग्री ख़त्म करने के बाद, 3 साल 4 साल का जो भी डिग्री या डिप्लोमा मैं लूँगा, आखिर मैं बनूंगा क्या। तो गूगल भी हमें यही बताता है कि आप मैनेजर बन जाएंगे, बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है, बड़ी ये है, बड़ी वो है, तो हम उस चीज़ से बिल्कुल ही प्रभावित होकर के या यू नो फैंटेसाइज होकर के हम होटल मैनेजमेंट कॉलेज में पहुँच जाते हैं। कोई भी गूगल आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ भाई 3 साल की डिग्री ख़त्म करने के बाद आप ड्यूटी प्लेट उठाओगे, 3 साल की डिग्री ख़त्म करने के बाद आप WC साफ़ करोगे, 3 साल की डिग्री ख़त्म करने के बाद आप सफाई करोगे, कोई आपको ये नहीं बताएगा। अगर ये बात हमें पहले पता चल जाएगी तो बॉस ऐसा है कि कोई भी बंदा जो है वो इस इंडस्ट्री में आएगा ही नहीं। तो अभी हम पहुँच जाते हैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर में। अब होटल मैनेजमेंट कॉलेज में तो शुरू का 7-8 दिन तो हमें समझने ही में लग जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, 10-15 दिन, 1 महीना तो ऐसे ही बीत जाता है। 1 महीने के बाद जब हम थोड़े धरती पर आते हैं, तब हमारे सीनियर्स मिलते हैं, जब वो अपना वो रैगिंग रोगिंग वाला जो दौर है वो ख़त्म हो जाता है, फिर हमें पता चलता है धीरे धीरे कि नहीं यार, इस इंडस्ट्री में मैनेजर बनना तो बड़ा मुश्किल है। अगर हमें मैनेजर बनना भी है तो उसके लिए हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, 8 साल 10 साल 15 साल, या हम बनेंगे ही नहीं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें ये सुनने को मिलती हैं। अभी देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मेरे यूट्यूब पे जो कमेंट करते हैं, उस पर बहुत सारे लोग, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ द लोग हैं जो बहुत गालियाँ देते हैं इस इंडस्ट्री को कि बकवास इंडस्ट्री है, 16 घंटे का काम है, 10,000 रुपये सैलरी है। देखो, ये वो लोग हैं, या तो वो उन्होंने अभी अभी जस्ट शुरू किया है अपना इंडस्ट्री, या अभी वो कॉलेज में हैं, तो उनके पास क्या है कि खिचड़ी नौ। लेकिन आप होटल में मैनेजर कैसे बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि आपने होटल मैनेजमेंट अपना ख़त्म किया तो आपको कितना साल लगना चाहिए अपनी आपको एक होटल का मैनेजर बनने के लिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि देखो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं कोई भी गूगल वूगल पे सर्च वर्च करके कुछ भी नहीं बोलता हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनेजर बनेंगे और हमें कितना साल लग जाएगा अगर हमारा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, हमने कोई कांड नहीं किया है, हम फेयर चलते आ रहे हैं और हमें ठीक ठाक नॉलेज भी हम गेन करते आ रहे हैं, तो हमें कितना साल लग जाएगा एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में पहुंचने के लिए। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है CV बायो रिज्यूम के नाम से, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अभी मैं रिज्यूम और कवर लेटर के फ्री फॉर्मेट दे रहा हूँ, तो अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी नहीं ली है वहाँ पर जाइए, रजिस्टर कीजिए फ्री में, एंड यू विल गेट योर फ्री रिज्यूम एंड कवर लेटर फॉर्मेट। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं क्या मान के चलूँगा इस वीडियो में कि हम जो भी हैं, जो भी लोग हैं, हम एंट्री लेवल से अपनी जॉब शुरू करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आज अपना होटल मैनेजमेंट कॉलेज ख़त्म किया, मतलब आज मैं पास आउट हुआ। अभी क्या चल रहा है, ये 2018 का दिसंबर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आज पास आउट हुआ, अब कल से मुझे जॉब शुरू करनी है, तो अब मुझे कितना टाइम लग जाएगा मैनेजर बनने में। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने एंट्री लेवल से जॉब शुरू की है, और ये वीडियो जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ FNB या फ्रंट ऑफिस या इसके लिए बना रहा हूँ, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो हमने जॉब शुरू की है अपनी एंट्री लेवल पर। सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आप अपनी पहली जॉब स्टार्ट करेंगे होटल मैनेजमेंट ख़त्म करने के बाद, जो आप पहली जॉब स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कॉलेज प्लेसमेंट से हो या आप अपने आपने ऑफ कैंपस से निकाला, पहली जॉब आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आप किसी बहुत ही अच्छे ब्रांडेड बड़े 5-स्टार होटल से अपनी करियर को शुरू करें। शुरू में आपको सैलरी वैलरी नहीं देखना है। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब 1-2 साल के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो
मतलब ये जो जर्नी है थोड़ी लंबी है, तो आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना करियर जो है एक बड़े ब्रांडेड मतलब 200 कमरे से प्लस वाले होटल से अपना करियर शुरू करना है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में, एंड ट्राई टू गो फॉर गुड ब्रांडेड होटल और रिजॉर्ट जो मिले आपको। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको मेट्रो शहर में, किसी भी अच्छे मेट्रो में, अगर आपको किसी अच्छे ब्रांडेड चेन प्रॉपर्टी में आपको मौका मिलता है, आप आँख बंद कर चले जाइए। आप सैलरी मत देखिए कि आपको कितनी सैलरी ऑफर की जा रही है, आप चले जाइए। नाउ यू हैव स्टार्टेड योर जॉब देयर। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में बहुत बजाई जाती है होटल वालों की। मतलब आप एंट्री लेवल पे हैं, तो एंट्री लेवल का मतलब ये होता है कि आप होटल के सबसे जूनियर प्रोफाइल पे हैं, मतलब आपसे ऊपर सब लोग हैं, तो आपसे कोई भी कुछ भी काम करा सकता है। ये सब चीज़ें आप देखिए। ये वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उन लोगों के लिए है जो सीरियस हैं इस इंडस्ट्री के लिए। आपने किसी अच्छे फाइव स्टार होटल से अपना काम शुरू किया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने एसोसिएट शुरू किया किसी F&B सर्विस डिपार्टमेंट में, आप वेटर की जॉब कर रहे हैं F&B सर्विस में। अब आपको एक साल कुछ नहीं करना है, एक साल आपको ड्यूटी पे आना है, इन करना है, काम करना है, घर जाना है, आपको सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। बट इस एक साल के अंदर में आपको क्या करना है कि आपको नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन क्या करना है कि जो भी चीज़ें आपने कॉलेज में सीखी हैं, समझी हैं, वो आपको सामने दिख रही हैं। तो उस एक साल में सिर्फ आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को सारी नॉलेज जो है वो गेन करनी है। यू हैव टू गेन ऑल दी नॉलेज। अब आप एक साल का वेट कीजिए। एक साल जैसे ही आपका इस इंडस्ट्री में ख़त्म हो गया, तो आपको होटल में पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर इस होटल में क्या है, क्योंकि एक साल के बाद मोस्टली अप्रेजल होता है। क्या आपको एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट बनाया जा रहा है, या आपको उसी सेम लेवल पे आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। अगर आपको एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, तो आपका समय आ गया है कि आपको अब आपका अपना होटल जो है वो चेंज करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं बनाया गया सीनियर एसोसिएट, अब आप क्या करेंगे, आप अपना दूसरा होटल चेंज करेंगे। और दूसरा होटल फिर से याद रखना कि आपको फाइव स्टार होटल में ही जाना है और किसी अच्छे प्रॉपर्टी में जाना है। दूसरा होटल आप कब चेंज करेंगे, ये नहीं कि आपको मतलब कोई इससे बड़ी प्रोफाइल मिल रही है तो आप किसी घटिया प्रॉपर्टी में चले गए, नहीं। आपको प्रॉपर्टी से कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं करना है। अभी आपने क्या किया कि आप किसी दूसरे प्रॉपर्टी में चले गए, या तो सीनियर एसोसिएट, आप सीनियर एसोसिएट चले गए, मतलब आपका जो रिज्यूम है, रिज्यूम पे आपने एक साल के अंदर में एक प्रमोशन ले लिया। अब वहाँ पर जाने के बाद, सीनियर एसोसिएट पर जाने के बाद, आप अगेन आप वेट कीजिए कि क्या हो रहा है। एक साल के बाद आपको फिर पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैक्सिमम आप उस होटल में 1.5 साल तक रुकेगा। अब आप तैयार हो चुके हैं अपने नेक्स्ट हाई लेवल जंप के लिए। वो हाई लेवल जंप क्या है, वो हाई लेवल जंप सुपरवाइज़र है या एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल फेयर चल रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी अच्छा खासा गेन हो गया और आपकी कम्युनिकेशन भी ग्रूम होते जा रही है, आप अपनी पर्सनैलिटी भी बिल्डअप करते जा रहे हैं। लगभग 2.5 साल के बाद यू आर रेडी फॉर सुपरवाइज़र और एग्जीक्यूटिव और कैप्टन लेवल, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं, आप रेडी हो चुके हैं। अब आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी अपनी मजबूत जो है वो करना शुरू कीजिए। मतलब कि जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कैप्टन के लिए, आपका कैप्टन जो काम करता था आपके शिफ्ट पे, आपने उनसे काम सीखा कि आपको इन्वेंट्री लेना आता है, ड्यूटी रोस्टर बनाना आता है, आपको सारे स्टॉक रखने आते हैं, यू नो ऑल दोज थ्योरी नॉलेज जो आपसे ऊपर वाले लेवल जो करता था, क्या आपने सीखा उससे, क्या आपको पता है वो चीज़, क्या आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बता देंगे। अगर बता देंगे आप, तो अब आपको फिर से जंप मारना है, और फिर से जंप मारना है फाइव स्टार होटल के अंदर में ही। अभी ना आपको रेस्टोरेंट में जाना है, ना आपको किसी भी घटिया प्रॉपर्टी में जाना है, अभी आपको फाइव स्टार होटल में ही चलते रहना है। अब आप क्या करेंगे कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचने के बाद या कैप्टन लेवल पहुंचने के बाद, जिस भी होटल में आप जाते हैं वहाँ पर जाने के बाद आपको टिकना है एटलीस्ट 2 साल। क्योंकि देखो, अगर आप एसोसिएट हैं तो नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं, आप उससे थोड़े ऊपर बढ़े तो वैकेंसी थोड़ी कम होती जाएंगी। तो अब आपको रिस्क भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपकी सैलरी भी बढ़ी है, अब आप कैप्टन लेवल पे पहुंच गए हैं, अब आपके ऊपर एक सीनियरिटी का बोझ भी है कि हाँ अब आप सीनियर हो गए हैं थोड़े होटल में, मतलब आपका आपके नीचे कुछ लोग और आ गए हैं। तो अभी आप क्या करेंगे तो कितने साल हो गए, एक साल आपने पहले होटल बिताया, एक साल आपने दूसरे होटल बिताया, अभी तक हुआ 2 साल। दो साल के बाद आप पहुंचे किसी अच्छे फाइव स्टार होटल में, आपने एज अ टीम लीडर, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव, हर होटल में अलग अलग होता है, आपने ज्वाइन कर लिया। अब वहां से आपको नहीं हिलना है एटलीस्ट 2 ईयर्स, क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव के बाद का जो नेक्स्ट प्रोफाइल होता है वो असिस्टेंट मैनेजर के लेवल का होता है। तो असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं मिलती है, कंपनी बहुत सारी चीज़ें देखती हैं आपको असिस्टेंट मैनेजर हायर करने के लिए। तो आपको एटलीस्ट 2 साल आपको वेट करना है। अगर आपका पहले अप्रेजल में, मतलब पहले साल वाले अप्रेजल में आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो वेट करिए,
वेट करिए कि आपका सेकंड वाले अप्रेजल में प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। और अगर 2 साल में भी आपका प्रमोशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये समझिए कि या तो आप कंपनी को खींच रहे हैं या कंपनी आपको खींच रही है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन अगर हो गया तो वेल एंड गुड, यू कंटिन्यू विद दैट होटल, आपको सैलरी भी हाइक मिल गई, आपका प्रोफाइल भी बढ़ गया। अगर अगर आपको 2 साल के बाद नहीं मिला, नहीं मिला, और तो अब आप तैयार हैं एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, तो असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले तो आप ये ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए आपके सीवी के ऊपर ऑलरेडी 4 साल का एक अच्छे 5-स्टार होटल का वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है, तो आपको कोई भी बड़ा 5-स्टार होटल बाहर जा कर के ऑलवेज आपको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये ट्राई कीजिए कि मैं किसी अच्छे 5-स्टार होटल में ही जाता हूँ, भले ही मेट्रो नहीं हो, किसी दूसरे शहर में हो, बट मैं 5-स्टार होटल ही ट्राई करता हूँ। 99% केस में अगर आपने 4 साल इस इंडस्ट्री में रगड़ा है अपने आप को और आपको नॉलेज है, तो आप 110% आपको किसी भी अच्छे 5-स्टार होटल में, अच्छे शहर में आपको मिल जाएगा। कम कमरा हो, ज़्यादा कमरा हो, कोई लेना देना नहीं, अब लेना देना नहीं है उतना। अब आप असिस्टेंट मैनेजर लग गए, यहाँ तक आप अपने अपने होटल के ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एक बार ही आप असिस्टेंट मैनेजर लग गए, और जहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर लग गए, अब आपको वहाँ पर रुकना है। तो आप मैनेजर बन चुके हैं, मतलब नाउ यू हैव ऑलरेडी बिकम मैनेजर, मतलब कि 4 साल के अंदर में आप एक मैनेजर बन सकते हैं अगर आप अच्छे चले तो। अब आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन गए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर आप जहाँ पे भी बने हैं, अब आप ये समझिए कि आप कंपनी के मैनेजरियल प्रोफाइल पे पहुँच चुके हैं, आपकी सैलरी भी ठीक है, अच्छी है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयर, इंसेंटिव, बहुत सारी अलग अलग तरह की पर्क्स मिलेंगी। मैनेजर पूल का जो इंसेंटिव आता है, ये आता है, आपको बहुत सारा पर्क्स भी मिलेगा। बट आपको जहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर बन के गए हैं, आपको रुकना होगा, क्योंकि मार्केट में 5-स्टार होटल में डायरेक्ट जाकर के रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब उठाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मोस्टली रेस्टोरेंट मैनेजर जो होते हैं वो इंटरनल प्रमोशन से निकलते हैं बाहर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने असिस्टेंट मैनेजर में काम कर लिया 1 साल इस होटल में, अब मैं फिर से स्विच मारता हूँ, नो, स्विच मारने का टाइम है स्टार्टिंग के 2-3 साल में, जब आपको अपनी प्रोफाइल धीरे धीरे बढ़ानी है। लेकिन जैसे ही आप एक बार एक मैनेजर लेवल के प्रोफाइल पे पहुँच गए, लेट इट बी एन असिस्टेंट मैनेजर ओनली, अब आप उस होटल में रुकिए, अपने HODs के साथ एकदम खतरनाक संबंध बनाइए, अपने F&B सब, आप अगर आप F&B के हैं तो अपने F&B डायरेक्टर के साथ, या जो भी आपका बॉस है, इमीडिएट बॉस रेस्टोरेंट मैनेजर्स के साथ, या इमीडिएट जो भी बॉस है आपका, आप उसके साथ बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन रखिए अपना, ताकि आपका जब भी प्रमोशन की बात आए तो सबसे पहले बोले कि नहीं, आई थिंक आनंद मिश्रा इज़ द गाय हु डिजर्व्स दिस प्रोफाइल। क्योंकि रेस्टोरेंट मैनेजर के केस में मैक्सिमम जो प्रमोशंस होते हैं वो इंटरनल होते हैं, चाहे आपको उसी होटल में प्रमोट कर देंगे या आपको उसी चेन के किसी दूसरे शहर के दूसरे होटल में प्रमोशन करके भेज देंगे। नाउ ये सब चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कैसे कैसे मैं प्रमोट हुआ अपनी लाइफ में। अब आप जहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर बन के गए हैं, अब आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अभी आपकी ड्यूटी टाइमिंग भी ठीक हो गई है, अभी आप प्लेट घसने से भी बच चुके हैं, मतलब अब आप नॉर्मल चल रहे हैं, अब आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ी बहुत जो है वो कंट्रोल में आ चुकी है, तो उसको कंट्रोल से बाहर मत कीजिए। बहुत सारे लड़के यहाँ पर भी बिखर जाते हैं। अब आप उसी होटल में टुकिए और मान के चलिए कि मेरे को 5 साल तो इस होटल में रहना ही है। और मेरे भाई एक बात बिल्कुल याद रखना, गधा से गधा भी होगा ना कोई भी, गधा से गधा भी, तो उसको 5 साल नहीं लगेंगे असिस्टेंट मैनेजर से रेस्टोरेंट मैनेजर बनने में, मैक्सिमम 1 ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर्स आपको लगेंगे रेस्टोरेंट मैनेजर बनने में। एक बार ही आप रेस्टोरेंट मैनेजर बन गए, बस थोड़ी सी लाइफ होगी सेट आपकी। रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका असिस्टेंट HOD या फिर उसके बाद HOD, फिर वो तो धीरे धीरे फिर आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद एक बार ही आप जब रेस्टोरेंट मैनेजर बन गए, आपने 2-3 साल ही रेस्टोरेंट मैनेजर में काम कर लिया, उसके बाद यू कैन गो टू अ रेस्टोरेंट चेन, उसके बाद यू कैन गो टू एनी होटल। मतलब आपको उसके बाद तो पैसा चाहिए, क्योंकि आपने प्रोफाइल तो ऑलरेडी बना ली, लोग आपके CV देख के तो समझ ही जाएंगे कि नहीं यार, मतलब इस बंदे में कुछ तो दम है जो इसने इतने इतने जगह पर काम करके आया ऑलरेडी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी सैलरी बहुत ही अच्छी बढ़ाने के लिए किसी छोटे प्रॉपर्टी में चले जाइए या रेस्टोरेंट चेन में चले जाइए। नाउ यू कैन प्ले विथ योर प्रॉपर्टी, बट इनिशियली यू डू नॉट हैव टू प्ले विद द प्रॉपर्टी। तो ये वीडियो जो है मैं बिल्कुल आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको शुरू का 1 साल एसोसिएट में, उसका 1 साल सीनियर एसोसिएट में, सीनियर एसोसिएट के बाद अगर उस होटल में प्रमोशन नहीं हो रहा है, नेक्स्ट होटल में जाओ, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर, टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, एंड देन लाइफ मूव्स ऑन। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होने का इस इंडस्ट्री से। मैंने आपको जो बताया है, अगर आप एक वेटर बन गए एक होटल में, आप वहीं पे मरे हुए हो, वहीं पड़े हुए हो, आपको जाना ही नहीं है वहां से आगे, तो आपको प्रमोशन कोई नहीं करेगा। कितने लोगों को उसी सेम होटल के वेटर को कप्तान बना देगा? 25-30 वेटर होते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो क्या आप सब 25ों को कप्तान तो बनाएगा नहीं? तो बाहर जाओ, इंटरव्यू दो। नाउ दिस इज हाउ यू स्विच, स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप। तो 4 ईयर्स यू नीड टू बिकम एन असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन,
सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस इज आनंद मिश्रा साइनिंग ऑफ. टेक केयर. बाय बाय.